हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो गाइस आज तारीख हो चुकी है 31 अगस्त 2024 और हर रोज की तरह हमारे सामने आज भी आईपीएल 2025 को लेकर आईपीएल की सभी फ्रेंचाइज के रिगार्डिंग दिन भर की जितनी भी बड़ी और इम्पोर्टेंट अपडेट्स निकल कर आई है उन सभी को लेकर हम आपके सामने आ चुके हैं। तो वीडियो हमेशा की तरह काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव, काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है और आप लोगों को इस वीडियो को देखना है बिल्कुल लास्ट तक। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाइए, जिससे हमारी वीडियोज की अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो गाइस बिना किसी देरी के करते हैं हमारे आज के दिन की सबसे पहली अपडेट निकल कर आ रही है मुंबई इंडियंस की साइड से, जहां पर एक तरफ आईपीएल की काफी सारी फ्रेंचाइज मुंबई इंडियंस के पूर्व कप्तान रोहित शर्मा को अपनी टीम में शामिल करने की तरफ देख रही हैं, वहां पर अब मुंबई इंडियंस की टीम को भी अपनी गलती का एहसास होने लगा है। जहां पर मुकेश अंबानी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से रोहित शर्मा को मुंबई इंडियंस की टीम में रोका जाए। हालांकि जिस तरीके से लास्ट ईयर रोहित शर्मा के डिसरिस्पेक्ट करने के बाद उनको कैप्टनसी से हटा दिया गया था, उसके बाद ये कहा गया था कि शायद रोहित शर्मा हमें एमआई की टीम को छोड़ते हुए नजर आएंगे, लेकिन अब पूरी तरीके से रोहित शर्मा ट्राई कर रहे हैं कि वो एमआई की टीम से बाहर निकले, तो मुंबई इंडियंस की टीम उनको किसी भी कीमत पर रोकना चाहती है। फिलहाल गाइस हम चलते हैं हमारे आज के दिन की दूसरी बड़ी अपडेट, और ये अपडेट निकल कर आ रही है सुरेश रैना की साइड से, जहां पर सुरेश रैना जो कि हमें महेंद्र सिंह धोनी के काफी ज्यादा क्लोज फ्रेंड माने जाते हैं, उन्होंने अनाउंसमेंट की कल की उन्होंने एमएसटी से आईपीएल 2025 में उनके खेलने के रिगार्डिंग बातचीत की थी, और इनके हिसाब से जितनी भी इनकी बात एमएसटी से हो पाई उसके हिसाब से उनको तो इतना ही समझ आया कि महेंद्र सिंह धोनी हमें आईपीएल 2025 में भी खेलते हुए नजर आएंगे। ने कहा कि उनकी बातों से उनको लगा कि वो अभी भी आईपीएल की प्रैक्टिस में ही बिजी हैं, इसके साथ ही अपनी फिटनेस के ऊपर और अपनी रिकवरी की प्रोसेस और खासकर अपने नी इश्यूज के ऊपर एमएसटी काफी ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। तो इनके हिसाब से ये चीज अब ऑलमोस्ट फिक्स है कि आईपीएल 2025 में भी हमें एमएसटी खेलते हुए नजर आएंगे। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप लोग बताना क्या आप लोग आईपीएल 2025 में एमएसटी को खेलते हुए देखना चाहते हैं या फिर नहीं। फिलहाल हम चलते हैं हमारे आज के दिन की तीसरी बड़ी अपडेट, और ये अपडेट निकलकर आ रही है श्रेयस अय्यर की साइड से। हमने अगर आप लोग चैनल के ऊपर एक्टिव हैं तो आपको बताया था कि कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम श्रेयस अय्यर को सूर्य कुमार यादव के बदले ट्रेड करना चाहती है। अब सूर्य कुमार यादव का तो इसमें फायदा ही है, क्योंकि अगर वो केकेआर की टीम में जाते हैं तो केकेआर उनको कैप्टन बनाने के लिए तैयार है। लेकिन वहीं अगर हम दूसरी तरफ श्रेयस अय्यर की बात करें तो श्रेयस अय्यर अगर मुंबई इंडियंस में आते हैं तो एमआई की टीम में उनको मोस्ट प्रोबेबली अगर रोहित शर्मा रिटेन होते हैं या फिर अगर वो रिटेन नहीं भी होते तो हार्दिक पांड्या की कैप्टनसी के अंडर खेलना पड़ेगा। लेकिन श्रेयस अय्यर इस ट्रेड से पर्सनली खुश नहीं है। उनका मानना है कि केकेआर की टीम को टाइटल जितवाने के बाद उनकी कैप्टनसी में अगर कोई टीम जीती है तो वो अगर ट्रेड होते भी हैं तो उनको उस नई टीम की कैप्टनसी चाहिए, तो हो सकता है श्रेयस अय्यर इस ट्रेड में शामिल होने से इनकार कर दें और वो केकेआर की टीम को छोड़कर अपना नाम ऑक्शन में प्रोवाइड करें। फिलहाल गाइस हम चलते हैं हमारे आज के दिन की अगली अपडेट, और ये अपडेट निकल कर आ रही है रिटेंशन की तारीख और उसके साथ ही आईपीएल के रिटेन्ड और आरटीएम प्लेयर्स के रिगार्डिंग, जहां पर लेटेस्ट डेवलपमेंट के हिसाब से आईपीएल के रिटेंशन की जो फाइनली डेट है उसके लिए आपका इंतजार खत्म होता है, और आज से दो दिन के बाद यानी कि 3 सितंबर को आईपीएल के रिटेंशन के रूल्स हमें जो बीसीसीआई है उनके द्वारा आउट होते हुए नजर आ जाएंगे, और इसके अगले 2 हफ्ते के अंदर सभी टीमों की रिलीज्ड और रिटेन्ड लिस्ट भी हमें आउट होते हुए नजर आएगी। इसके साथ ही इन्होंने बता दिया है कि इस बार रिटेंशन की प्रोसेस में मोस्ट प्रोबेबली हमें 4 प्लेयर्स रिटेन होते हुए नजर आएंगे और 2 प्लेयर्स के ऊपर आरटीएम कार्ड का इस्तेमाल होगा। पहले एक अनकैप प्लेयर जो कि एक भारतीय प्लेयर होगा उसको रिटेन करने की परमिशन मिलने वाली थी, लेकिन अभी उस प्लेयर को हटाकर आरटीएम कार्ड बढ़ाने की तैयारियां चल रही हैं। यानी कि अगर इस चीज को सच माना जाए तो फिर 4 हमें टोटल रिटेंशन देखने को मिल सकती है, और इसके साथ ही 2 प्लेयर्स आरटीएम होंगे। फिलहाल हम चलते हैं हमारे आज के दिन की 5वीं बड़ी अपडेट, और ये अपडेट निकल कर आ रही है कोलकाता नाइट राइडर्स की साइड से, जहां पर केकेआर की टीम लास्ट के कुछ सालों में सबसे ज्यादा कंसिस्टेंट टीमों में से एक रही है, और ये कंसिस्टेंसी हमें ना सिर्फ आईपीएल बल्कि दुनिया भर में जितनी भी टी20 लीग्स होती हैं उनमें भी देखने को मिलती है। और अब रिसेंटली आईपीएल 2023 का टाइटल जीतने के बाद कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम, उनकी जो विमेन सीपीएल में टीम है ट्रिनबागो नाइट राइडर्स की, वो भी हमें फाइनल में पहुंचते हुए नजर आ चुकी है। तो ऐसे में काफी ज्यादा कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस हमें ओवरऑल कोलकाता नाइट राइडर्स की साइड से देखने को मिल रही है। फिलहाल हम चलते हैं हमारे आज के दिन की 6ठी बड़ी अपडेट, और ये काफी ज्यादा शॉकिंग अपडेट हमें देखने को मिली है यश धूल की साइड से, जो कि आप लोग इनको जानते होंगे दिल्ली कैपिटल्स की टीम में, इसके साथ ही भारतीय अंडर 19 टीम के कैप्टन भी रह चुके हैं। तो ऐसे में यश धूल हमें एनसीए में अपनी रिकवरी की प्रोसेस कंप्लीट करते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन वहां पर इनके फिटनेस टेस्ट के दौरान हमें पता चला कि यश धूल का जो हार्ट है उसमें हमें काफी बड़ा होल देखने को मिला है। यानी कि बेसिकली ये हार्ट के इश्यूज से जूझ रहे हैं और इनको इमीडिएटली ट्रीटमेंट की जरूरत है, तो उसके बाद इनको फाइनली एनसीए से रिलीज कर दिया गया है, और अब हमें ये एक ट्रीटमेंट का हिस्सा बनते हुए नजर आएंगे। क्रिकेट वगैरह तो हाल फिलहाल के लिए हमें छोड़ते हुए नजर आएंगे। तो कमेंट सेक्शन में आप लोग भी इनकी फास्टेस्ट रिकवरी के लिए जरूर प्रे कीजिए, क्योंकि इनकी जो एज है वो काफी ज्यादा कम है, शायद सिर्फ 21-22 साल के ये प्लेयर हैं, और इनका फ्यूचर काफी ज्यादा ब्राइट है। फिलहाल हम चलते हैं हमारे आज के दिन की 7वीं बड़ी अपडेट, और ये अपडेट निकल कर आ रही है लेजेंड क्रिकेट लीग के रिगार्डिंग, जहां पर एक तरफ लेजेंड क्रिकेट लीग में इस बार दिनेश कार्तिक और उनके साथ ही शिखर धवन जैसे लेजेंड प्लेयर्स ऐड हो चुके हैं, वहीं हमें काफी ज्यादा इसका ऑक्शन देखने को मिला था, जिसके ऑक्शन में ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज
ब्रैटली हमें अनसोल्ड जाते हुए नजर आए। अब ब्रैटली जैसा प्लेयर चाहे किसी भी लीग में हो उनको तो सबसे पहले पिक किया जाता है, लेकिन लेजेंड क्रिकेट लीग होने के बावजूद भी ब्रैटली का अनसोल्ड जाना काफी ज्यादा शॉकिंग था। कमेंट करके आप लोग बताना कि आप लोग ब्रैटली को लेजेंड क्रिकेट लीग में खेलते हुए देखना चाहते हैं या फिर नहीं। फिलहाल हम चलते हैं हमारे आज के दिन की आठवीं और आखिरी अपडेट जो कि निकल कर आ रही है कोलकाता नाइट राइडर्स की साइड से, जहां पर गौतम गंभीर कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम को छोड़कर जा चुके हैं। लेकिन इसके साथ ही वो केकेआर के 90% कोचिंग स्टाफ को भी अपने साथ भारतीय टीम में लेकर गए थे, जहां पर रायन डोशेट और उनके साथ ही इवन ये अपने साथ अभिषेक नायर को लेकर भी चले गए थे। और अब केकेआर की टीम में सिर्फ इनके हेड कोच चंद्रकांत पंडित ही मौजूद हैं। ऐसे में कोलकाता नाइट राइडर्स को साल 2025 के लिए अपनी टीम में नए कोचेस की जरूरत है, नए मैनेजमेंट की जरूरत है। और अब बताया जा रहा है कि इन्होंने दो काफी बड़े लेजेंडरी प्लेयर्स के साथ कॉन्टेक्ट किया है कि ये इनकी टीम में कोच के तौर पर जुड़ जाएं। हालांकि वो लेजेंडरी प्लेयर कौन है, क्या वो भारत के ही है या फिर वो फॉरेन है, इसके रिगार्डिंग तो कोई भी अपडेट नहीं है, लेकिन जैसे ही अपडेट आती है हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। तो गाइस ये वीडियो ही तक थी, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करके हमारे चैनल को जरूर कीजिए सब्सक्राइब।